आप लोग में से कई बच्चे लगातार बी फार्मा के बारे में पूछ रहे थे कि मैम बी फार्मा की कट ऑफ कितनी जाएगी, बी फार्मा की यूनिवर्सिटी वाइज कट ऑफ बता दो, बी फार्मा की गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ बता दो, बी फार्मा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में है कि नहीं है। तो आज के वीडियो में आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस लेके आई हूँ प्लस प्राइवेट कॉलेजेस लेके आई हूँ, जिसके उसके साथ साथ उनकी कट ऑफ भी बताऊँगी कि कितने मार्क्स पे आपका उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और वन बाई वन डिस्कस करते हैं कॉलेज वाइज कट ऑफ के बारे में, गवर्नमेंट कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। 20 प्लस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, 20 से भी ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी अच्छी कॉलेज, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। कोई ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं लेके आई हूँ, जो माने जाने यूनिवर्सिटीज़ माने जाने कॉलेजेस हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करूँगी। लगभग 20 कॉलेजेस मैं आपके सामने लेके आई हूँ, जिनमें से 7 तो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी गवर्नमेंट होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी गवर्नमेंट होती हैं, और प्लस साथ में मैं आपके लिए प्राइवेट कॉलेज भी लेके आई हूँ कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप प्राइवेट में एडमिशन ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस, दिस इज सुमन यादव। बी फार्मेसी ऐसा कोर्स है जो बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं और उसकी कट ऑफ जानना चाहते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी कट ऑफ जाए ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके एडमिशन में, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। हर यूनिवर्सिटी में अलग से काउंसलिंग फ़ीस, अलग से काउंसलिंग प्रोसेस होती है, तो काफ़ी पैनिक होता है बच्चे के लिए। तो पहले ही आप जान लो आपको किन यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए और इनकी काउंसलिंग लगभग कब तक शुरू होगी ये भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको लिए प्रॉब्लम ना हो। पहला आप डिस्कस करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। टोटल 7 ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपका बी फार्मा का कोर्स होता है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सबसे कम फीस वाली यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। ठीक है, 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वन बाय वन बात करते हैं। पहला है BBAU, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जिसकी काउंसलिंग चल रही है। बच्चों आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी BBAU के ऊपर कई वीडियोज़ बना चुकी हैं, लिंक मैं लास्ट में दे दूँगी। कैंपस वाइज कोर्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बता दिया है, आप देख सकते हो, सभी कोर्सेज के बारे में बताया, डी फार्मा, बी फार्मा, सब कुछ बता दिया है, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, आप देख सकते हो, और कैटेगरी वाइज कट ऑफ के लिए ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो BBAU जो है ना उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मांगता है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मांगता है, मैथ या बायो में से आप जिससे भी आपने ट्वेल्थ की है उसी से रिलेटेड आप एग्ज़ाम देते हो, और एग्ज़ाम देने के बाद आप एडमिशन ले सकते हो। पर इसमें क्या है, आपका लैंग्वेज होना ज़रूरी है, BBAU में बिना लैंग्वेज के आप एडमिशन नहीं ले सकते। नेक्स्ट है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, ये भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है प्लस जनरल टेस्ट है, तो आप एडमिशन ले सकते हो। अभी इन सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कट ऑफ भी मैं बताऊंगी, चिंता मत करो। इसके बाद थर्ड आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है HNBGU, ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। इसमें जो मांगा गया है वो सिर्फ PCM या PCB मांगा गया है, यानी कि आपने जनरल टेस्ट या लैंग्वेज नहीं भी दिया है तो भी चलेगा। इसके बाद है आपकी असम यूनिवर्सिटी, इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बेस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। फिर है डॉक्टर हर सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, इसमें भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बेस पे एडमिशन दिया जाएगा। फिर है आपका इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बेस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद है आपका सिक्किम यूनिवर्सिटी, इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बेस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो अब हम कट ऑफ की बात करते हैं इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ लगभग सेम जाती है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूँ गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी की और BBAU की, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि PCM या PCB प्लस आपका जनरल टेस्ट, PCM या PCB प्लस आपकी लैंग्वेज, यानी कि 800 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनेगी, क्योंकि इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, 200 मार्क्स के हिसाब से 800 नंबर में कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो 800 नंबर में से कम मिनिमम मार्क्स अगर मैं बताऊँ तो 450 तक तो होने ही चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, 450 नंबर तक है 800 में से, तो आप इन दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हो।
अच्छा एक और बात मैं आपको समझा दूँ, मान लो आपने 5-6 पेपर दिए हों, तो उन 5-6 पेपर के टोटल मार्क्स नहीं कैलकुलेट किए जाएंगे, जो पेपर सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में मांगा गया है उसी पेपर के मार्क्स कैलकुलेट होंगे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। जैसे मान लेते हैं आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और आपने मैथ भी दे दिया है, आपने जनरल टेस्ट भी दे दिया है, तो आपके मैथ और बायो में से कोई एक के मार्क्स काउंट होंगे, जो आपके मार्क्स अच्छे हैं वो आप लगा सकते हो क्योंकि इसमें दोनों ही अलाउड है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस जनरल टेस्ट के मार्क्स काउंट होंगे, यानी कि मेरिट आपकी टोटल 800 में बनेगी ना कि 1000 में। आपने दिए तो 5 पेपर थे, टोटल मार्क्स 1000 या 1050 हुए, लेकिन आपके सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट किए जाएंगे और उसमें से आपने कितना लाया उस बेसिस पे कट ऑफ बनेगी, तो इस बात का आपको ध्यान रहे। तो 800 में से कम 450 तक लाने होंगे जनरल कैटेगरी को। अगर आप EWS या OBC हो 400 तक भी ला रहे हो तो भी हो सकता है एडमिशन, SC ST हो तो 350 तक भी एडमिशन जा सकता है, PWD के लिए भी 350 कभी कभी 300 तक भी एडमिशन चला जाता है। तो आप लोगों के अगर SC ST PWD हो तो 300 मार्क्स या 250 मार्क्स वाले भी ट्राई करके देखे, हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 400, 450, 500 ऐसे मार्क्स है तो आप ट्राई करो, आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कुछ ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिसमें सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट मांगे गए हैं, PCB या PCM, उनकी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हेमवती नंदन बरगुड़ा यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इन सब में सिर्फ 3 सब्जेक्ट मांगे गए हैं, यानी आपकी कट ऑफ 600 में से बनेगी। तो 600 में से कम 350 या 380 तक आपको लाना होगा, तभी आपका इसमें एडमिशन हो पाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। मिनिमम मैं बता रही हूँ, इससे ज़्यादा ही लगभग कट ऑफ जाएगी, 5-10 नंबर इधर उधर हो सकता है। मिनिमम आपको 380 तक लाना होगा, ठीक है। और अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 10-15 नंबर, 20 नंबर आप माइनस मान के चल सकते हो, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की। स्टेट यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ही होती हैं, बस सेंट्रल से थोड़ा नीचे लेवल की होती हैं। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी होती हैं, उसके बाद आती है स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके बाद आती हैं आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद आती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर ली, टोटल 7 थी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी की। स्टेट यूनिवर्सिटी में सबसे पहला नंबर आता है AKTU का, ठीक है। अच्छा एक और बात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगभग सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग ओपन है, आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्टेट यूनिवर्सिटी में सबसे पहले नंबर पे आता है AKTU, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसमें बी फार्मा की काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, बाकी कोर्सेज की हो गई है लेकिन बी फार्मा की अभी स्टार्ट नहीं हुई है। इसमें आपका इंग्लिश प्लस डोमेन सब्जेक्ट मांगता है, डोमेन सब्जेक्ट PCB हो गए आपके और इंग्लिश, यानी कि इसमें भी टोटल 800 नंबर में से कट ऑफ बनेगी। तो 800 में अगर आपका 300 तक भी है तो भी मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी को SC ST वाले और EWS वाले 10-20 नंबर अपना माइनस मान के चलेंगे हमेशा। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है उसमें भी आपका जनरल टेस्ट इंग्लिश और PCB मांगा गया है, यानी 5 सब्जेक्ट, यानी कि 1050 मार्क्स। 1050 मार्क्स में इस यूनिवर्सिटी के लिए कम से कम आप मार्क्स लाने होंगे 100 तक लाने होंगे, तभी एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट आपका मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, इसमें PCB PCM की ज़रूरत होती है 600 मार्क्स, 600 में से 300 भी लाते हो तो भी आपका एडमिशन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपकी कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़, ये सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ थे जितने मैंने अभी बताए। इसके बाद कुछ और भी यूनिवर्सिटी हैं जो फेमस है, मैं उनका बता देती हूँ। और इनमें लगभग 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट ऐसे मांगा गया है, तो आपके अगर 250, 200 मार्क्स तक भी हैं तो भी आप इन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, वो है GD गोयनका यूनिवर्सिटी, गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी, हरकोट बटलर यूनिवर्सिटी, इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी ऑफ जयपुर, ठीक है, KR मंगलम यूनिवर्सिटी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, ठीक है, नोएडा यूनिवर्सिटी, क्वांटम यूनिवर्सिटी, सुलनी यूनिवर्सिटी, फिर है OPGS यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपके 200 मार्क्स तक भी हैं या 150 मार्क्स तक भी हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ 150 मार्क्स तक भी आपको एडमिशन दे सकती हैं लास्ट राउंड तक आते आते। तो अगर आपके कम मार्क्स हैं और आपको बी फार्मा चाहिए ही चाहिए तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इन्वर्टिस जैसी यूनिवर्सिटी में, सुलनी यूनिवर्सिटी में, क्वांटम यूनिवर्सिटीज़ में। ये सबकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, इनकी कट ऑफ सबसे कम जाती है, इनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और बाकी की कट ऑफ उससे थोड़ी थोड़ी हाई रहती है, सबसे ज़्यादा रहती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट में भी कुछ लोअर प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, उनकी कट ऑफ और कम जाती है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कट ऑफ्स के बारे में और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। देखो लगभग सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी धीरे धीरे अपनी काउंसलिंग शुरू कर रही हैं, तो आप लोग अवेयर रहना किस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कब होने वाली है। मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ बता ली उसमें से आप अपने लिए कुछ 4-5 यूनिवर्सिटीज़ छांट लेना अपने मार्क्स के अनुसार और उनकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, ठीक है, और उनके लिए काउंसलिंग के डेट्स के लिए हमेशा एक्टिव रहना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। बी फार्मा से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए या किसी भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं, ठीक है। एक और बात, हमने एक नया चैनल शुरू किया है, यात्रा चैनल, जिसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो @अनूप सुमन यात्रा, तो आपके सामने आ जाएगा। ये हमारा व्लॉगिंग से रिलेटेड चैनल है, ये जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ है, आप चाहो तो देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।